Hello children, how are you? We are doing our English book 3 and we have reached this last unit, which is unit 6. We have already completed one story. With the title of the story was Enjoying Life. Now we are doing a very very sweet poem. You will like it. Love to Mother, this is the title of the poem. This is about your mother and child's love towards her mother. Ek bachche ke pyar jo ki apni maa ke liye hai, uski bhavna hai is पोयम में व्यक्त होती हैं. नाउ लेट अस रीड द पोयम. ओके. आई नेवर हैव अ स्पेशल डे टू गिव फ्लावर्स टू माय मदर. वेरी स्वीट लाइंस. कोई मेरे लिए कोई स्पेशल डे नहीं है जब मैं अपनी मदर को फ्लावर्स दूं. मुझे अपनी मदर को फ्लावर्स देने के लिए किसी स्पेशल डे का इंतजार नहीं रहता है. आई गिव देम टू हर एवरी डे टू शो हाउ मच आई लव हर. मैं अपनी मदर को फ्लावर्स रोज देता हूँ ताकि मैं उनको बता सकूं, मैं उनको शो कर सकूं कि मैं उनका कितना प्यार करता हूं. ओके. व्हेन आई स्वीप द किचन फ्लोर और केयर फॉर बेबी ब्रदर, रन ऑन एरेंड्स और मेक्स द बेड्स, आई एम गिविंग फ्लावर्स टू मदर. इस स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है? एज अ चाइल्ड ही इज सेइंग दैट आई हेल्प माई मदर इन वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि आई स्वीप द किचन फ्लोर. मैं मदर काम कर रही होती किचन में तो किचन का फ्लोर भी साफ कर देता हूँ. और केयर फॉर बेबी ब्रदर, और छोटा भाई है मेरा बहुत छोटा, उसका भी ख्याल रख लेता हूँ. रन फॉर एरेंड्स, एरेंड्स होते छोटे छोटे काम जो घर के होते ना, इधर से उधर भागने वाले, बच्चों ये ले आओ ये ले आओ, पड़ोस की शॉप से कुछ सामान मंगाना हो, शुगर कर्ड एटसेट्रा एनीथिंग. सो वो एरेंड्स में आता है, छोटे छोटे काम. और मेक्स द बेड, और कभी बेड साफ करना हो, बेड बनाना हो सोने के लिए, आई एम गिविंग फ्लावर्स टू माई मदर. ये सारी हेल्प भी करता हूँ मदर की, इतना केयर करता हूँ मैं अपनी मदर की, और साथ में उनको फ्लावर्स भी देता हूँ. इट इज़ अ लॉट ऑफ फन प्रटेंडिंग एंड टू हियर माई मदर से थैंक यू डियर फॉर ऑल द फ्लावर्स यू हैव गिविन मी टूडे. और जिस तरह से वो हर बार नए अंदाज में कहती हैं, जैसे आज उनको पहली बार फ्लावर्स मिले हों, जब मैं अपनी माँ को फ्लावर्स देता हूँ वो मुझे क्या बोलती है, थैंक यू बेटा, आज आपने मुझे फ्लावर्स दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये एक प्यार है बेटे का अपनी माँ के लिए कि वो उनको रोज़ाना प्यार से फ्लावर्स देता है और साथ में उनके घर में हेल्प भी कराता है. सो दिस इज़ अबाउट मैनर्स, दिस इज़ अबाउट वैल्यूज़ दैट वी हैव. ओके. आई एम श्योर यू लाइक द पोएम, इट वॉज़ वेरी स्वीट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू चिल्ड्रन दैट यू विल ऑल्सो हेल्प योर मदर एंड यू विल ऑल्सो लव योर मदर द सेम वे दैट द चाइल्ड इज़ लविंग his mother. Okay, now we are starting the exercise of the poem. The first question is tick the correct option, run on space or makes the bed, run on errands, yahan aayega errands. Number two is the child wants to give space to his mother, fruits, flowers or love, flowers. Number three is who is sweeping the kitchen floor in the poem, poem mein kitchen floor kaun saaf kar raha tha, child. I never have a space day, special day, better day or birthday, special day. Write T for true and F for false statements. देखते हैं इसमें से कौन से statement सही है, कौन सा गलत है. Let us read them one by one. The child helps his mother in household chores. Household chores क्या होते हैं? जो घर के काम होते हैं. Chores कहते हैं काम को, household घर के. तो बच्चा help करता है नहीं करता? Yes, he does. So this is true. नंबर टू इज द चाइल्ड डज नॉट गिव फ्लावर्स टू हिज मदर. काम तो करता है लेकिन फ्लावर्स नहीं देता, ये तो गलत बात है. पोएम में बताया रोज फ्लावर देता है, सो दिस इज फॉल्स. नंबर थ्री इज द चाइल्ड इज नॉट ओबीडियंट एंड डज नॉट लव हिज मदर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. चाइल्ड तो बहुत प्यार करता है और बहुत हेल्प कराता है अपनी मदर की, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स. द चाइल्ड वेट्स फॉर ए स्पेशल डे, ये भी गलत है. द चाइल्ड डज नॉट वेट फॉर ए स्पेशल डे, ही गिव्स फ्लावर्स टू हिज मदर एवरी डे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो चार में से तीन स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, द फर्स्ट वन इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड दीज क्वेश्चंस एंड आंसर दीज क्वेश्चंस इन टू योर नोटबुक. ओके. लर्निंग बाई डूइंग, एक प्रैक्टिकल आपके लिए काम है वो है मेक ए ब्यूटिफुल कार्ड फॉर योर मदर एंड पेस्ट इट इन योर स्क्रैप बुक. अपनी मदर के लिए एक सुंदर से कार्ड बनाइए, चाहे उसमें मदर्स डे के लिए बनाइए या उनको थैंक यू बोलने के लिए बनाइए, बट इट शुड बी वेरी ब्यूटिफुल. और बनाने के बाद इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, इन योर स्क्रैप बुक. सो चिल्ड्रेन विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस पोएम एंड द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद ए न्यू स्टोरी फॉर यू. ओके, सो टिल देन
Bye.